माता शारदे माँ वीणा पाणी की पुजारन हूँ, केवल कलम पहचान रखती हूँ मैं। और की तो और जाने आप माने या न माने, और की तो और जाने आप माने या न माने, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं, पर खुद अपनी जुबान रखती हूँ मैं। मान रखती हूँ, सम्मान रखती हूँ, और संग में सदा ही स्वाभिमान रखती हूँ मैं। नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, नैनों में समाया हुआ मेरे नैनीताल पर, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं, दिल में हमेशा हिंदुस्तान रखती हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय विनीत चौहान, हिंदुस्तानी क्या हिंदुस्तान के बाहर वाचिक परंपरा में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हल्दी घाटी के संस्कारों को राष्ट्रभक्ति के तेवर में महाराणा प्रताप की शैली में कैसा गाया जाता है, कैसा जनता तक पहुँचाया जाता है, ये जादू अगर किसी कवि के पास आज की रात किसी कवि सम्मेलन में है तो उस जादू का नाम है आदरणीय विनीत चौहान। मैं चाहता हूँ चौहानी परंपरा का यह विनीत स्वर आज की रात आपके तक पहुँचना चाहिए। आज़ादी की पूर्व संध्या पर अखंड भारत संकल्प दिवस के दिन अगर विनीत चौहान देवास में आए हैं तो मैं उन्हें केवल दो पंक्तियाँ उन्हीं के कुनबे की, उन्हीं के खानदान के एक बड़े कवि की भेंट कर रहा हूँ, जिन्होंने लिखा कि ना स्याही को सताते हैं ना कागज को मनाते हैं, लहू वाले लहू से देश का नक्शा बनाते हैं। और वो नक्शा बनना शुरू हो गया। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाइए, मैं विनीत चौहान को आपके बीच बुला रहा हूं कि वे आए और चौहानी परंपरा। जिन लोगों ने गौरी मिश्रा को माला पहनाई थी वो घर जा चुके होंगे मैं समझता हूं। वो लोग 3 दिन तक हाथ न धोएं, उन्होंने जो हाथ टच कर लिए इस बीच में गौरी मिश्रा से, ऐसा मेरा उनसे आग्रह है। और ये तस्वीरें भाभी जी को पोस्ट की जाएं जो आज खींची गई हैं। ये जो यहाँ कविता पढ़ रही थी उसे अबला नारी बताया जा रहा है। इस अबला नारी को देख के लगता है रक्षाबंधन हमको इससे नहीं बांधवाना चाहिए, हमें इसके बांधना चाहिए। आज सोलंकी जी आप थोड़ा लेट हो गए, इसके पास में 7 राखियाँ थी। हम सब लोगों से इसने 500-500 के 1000 रुपये छीने, हम मुंह लटका के इसीलिए बैठे हुए हैं जब से। शशिकांत की जेब में तो कुछ था नहीं तो बेचारे ने मेरे से मांग करके दिए इसको। आज हम सब अपने आप को बौद्ध भिक्षुक महसूस कर रहे हैं भाई साहब। आपके रहते हुए मैं जेब में हाथ डालूं तो आपके लिए डूब मरने की बात है। ऐसा कह कह के इन 7 कवियों ने मेरे से पैसे दिलवा दिए इसको। ये पहला कवि सम्मेलन है जहां मैं पेमेंट दे के कविता पढ़ रहा हूं, और ना ऐसा कभी नहीं हुआ जहां मैंने पहले पेमेंट दिया और फिर कविताएं पढ़ी हूं। अच्छी बात है, गौरी को बधाई देता हूं कि उसने अपना स्वर तेवर विश्वास रखा। उसकी सारी कविताओं का एक ही मूल भाव था। हमारी बहनें भाभियाँ भी आके उसको मालाएं पकड़ा रही थी। उसका पूरा भाव यही था, इस देश में इस दुनिया में जो भी सर्वश्रेष्ठ है वो बेटियां हैं, ये पुरुष तो बेचारे नर्मदा की बाढ़ में बह करके आए हुए हैं। मतलब हम बैठे बैठे कुंठित हो रहे थे, हाय हुसैन हम लड़की क्यों ना हुए। जहां देखो वहीं बेटियां बचाओ, बेटियां बचाओ। यार इन बेटों को भी बचा लो, बेचारों को, इनके आई आ गया। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहो, जीती रहो। आजकल देश में यही खतरा है। अब जब वो चुनाव हो रहे थे हमारे, मुझे पता लगा जुडिशरी छोड़कर आपने तो राजनीति में प्रवेश किया, अच्छे लोग भी आ रहे हैं। वरना तो वेस्ट बंगाल में, बिहार में देखो तो पता नहीं लगता कि डाकुओं को चुनाव लड़ाया जा रहा है कि नेताओं को लड़ाया जा रहा है। तो हमारे वहाँ समय विपक्षी पार्टियाँ सर तय नहीं कर पा रही थी, कहला किसको प्रधानमंत्री बनाए। अपना तो तय था चौकीदार, उनके मोहल्ले में तकरार चल रहा था कि इसको बना दो, उसको बना दो, इसको बना दो। तो मैंने शशिकांत से सुझाव दिया, उधर कहला भाई साहब उधर चलते पूछते हैं, तो वहाँ एक बिहार का एक नेता बोल रहा, कहला भाई साहब ममता बनर्जी को बना दें तो कैसा रहेगा। तो शशिकांत मेरे बगल में ही बैठा था, कहला ममता बनर्जी को बना दो तो कैसा रहेगा। कहला जब देश का नाश ही होना है तो फिर सपना चौधरी कौन सी बुरी है। तो ये देश का जब सत्यानाश करने वाले लोग इकट्ठे बैठे हुए थे, तब देश ने एक सूर्य की किरण को आते हुए देखा और उसने एक अंधियारे को चीरकर एक नए सूर्य का विहान आपके सामने उपस्थित कर दिया। गौरी मैं तुम्हें अनुमति दूंगा, तुम चली जाओ, फ्लाइट हमारी क्योंकि समय पर, आप सामान लेकर के गाड़ी में आ जाएं। मैं मेरी छोटी बहन से आग्रह करूंगा कि वो जाकर सामान ला सकती है आराम से, और तब तक मैं कविता काट पढ़ता हुआ मिलूंगा यहीं पर, तो चिंता मत करें।
और फ्लाइट नहीं रुकी तो सुनील जी क्या काम आएंगे, सोलंकी जी हमारे क्या काम आएंगे, हमारे सांसद किस लिए बनाया इनको, अचानक कह देंगे बम की अफवाह फैला दी गई है इंदौर में, रोको इसकी तलाशी ली जाएगी थोड़ी देर बाद, सांसद महोदय का फोन आया है, तो अपन आधा घंटा रुकवा लेंगे, आज अपने पास जुगाड़ है उसका, जाओ ले जाओ, रावण की सेना में थे क्या पहले आप, ले जाओ। बस दो लाइन आप सुन लीजिएगा, मुझे अच्छा लगेगा कि यदि आपने मुझे सुनने के वातावरण के अनुकूल कर दिया। चलिए बेटा जल्दी लेके तुम आ जाओ सामान, जो भी मैं यहीं मिलूंगा, चिंता मत करो, केवल दो पंक्ति मुझे बता दीजिएगा कि मुझे इस कार्यक्रम को किस दिशा में कहां से, सारे मत जाओ, इतने लोग थोड़ी छोड़ने जाओगे, इस हॉल में भी कुछ लोग चाहिए, एक गौरी मिश्रा के पीछे 12 के कमांडो गए हुए हैं, अभी मैं जाऊंगा तो एक भी आदमी मेरे पीछे नहीं जाएगा, मैं पकड़ पकड़ के ले जाऊंगा लोगों को, मैं जाऊंगा आप चिंता, हाँ वो मुझे पाइए, तू तो मेरे को धक्का देने के लिए जाएगा, वापस ना घुस जाए देवास के अंदर, ऐसे दोस्त के रहते मेरे को कभी दुश्मनों की जरूरत नहीं पड़ी, कह रहा भाई साहब देवास तक अपनी गाड़ी से छोड़ के आऊंगा, आप कल दोबारा ना आ जाओ आप यहाँ, लेकिन देश का यशस्वी कलमकार यदि हमारे इस मिट्टी ने दिया है, देवास ने, मेरे बाद हरिओम पवार के बाद शौर्य की ध्वज पताका जिस कवि के हाथ में रहेगी वो आपकी इस मिट्टी का लाडला बेटा शशिकांत यादव रहेगा, ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, वरना चीख पुकार के अलावा वीरस के कवियों के पास कुछ बचा नहीं है, संयत भाषा में यदि संचालन किसी को देखना हो, जो लाल किले के कवियों का संचालन कर चुका है वो आपका प्यारा मेरा प्यारा छोटा भाई शशिकांत यादव है। बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया है, आइए मैं शुरू करता हूँ, 10-20 दिन मिनट आपके बीच में हूँ, मैं 10-20 मिनट हूँ, लेकिन आपके सामने आपको लगेगा आग का एक शोला खड़ा हुआ है, मैं बिल्कुल ताजा पंक्ति कह रहा हूँ तो जरा सुने, बस एक लाइन में मुझे बता दिए, कल अखबार में छपे तो दो लाइन में से एक लाइन आधी छप जाए, उपाध्याय जी यहाँ बैठे हुए हैं, बहुत और आपको लगे ऐसा महसूस हुआ है, मैं अभी तक ये तय नहीं कर पा रहा कि मैं 5 अगस्त को पहले मना लूं या 15 अगस्त को पहले मना लूं, ये आज तक मेरे बीच में द्वंद है कि ये नई आजादी बड़ी हो गई है या पहले वाली गुलामी ज्यादा बड़ी थी जो हम इतने सालों से झेल रहे थे, जिसे हम केवल स्वाधीनता दिवस कह रहे थे, सचमुच की आजादी तो 5 अगस्त हो गई अब हमारे लिए, तो इसलिए मैंने दो लाइन कही है, शायद आपका मन मिले, मैं केमिस्ट्री का लेक्चर हूं, 30 साल से मैं कॉलेज के अंदर रसायन विज्ञान पढ़ाता हूं, आप आयतन में कम है मुझे चिंता नहीं है, आप घनत्व में ज्यादा रहिएगा मुझे अच्छा लगेगा, मैं डेंसिटी की चिंता करता हूं आयतन की नहीं। बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया है, पंक्तियां संभालना बस पहली लाइन को, बहुत दिनों के बाद देश में ऐसा मौसम आया है, अमर तिरंगा कश्मीर में खुलकर के लहराया है, अमर तिरंगा कश्मीर में खुलकर के लहराया है, अमर तिरंगा कश्मीर, लोगों ने कहा हुआ क्या है, फर्क क्या पड़ा इससे, मैंने तो दो लाइन कही है, यदि शब्द के चितेरे लोग यहां बैठे हो तो जरा समझे कि हुआ क्या है, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, नंदू भैया मुझे सुनते रहे हैं, जरा 4 लाइन सुनिएगा, आपके लोगों के भाषण में काम आएगी, लोग आपसे पूछेंगे क्या हो गया 370 धारा हटने से, विनीत चौहान आपको कल के लिए लाइन सौंप के जा रहा है, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, अब आपकी लाइन और तालियां एक साथ उठें, कुछ देशभक्ति के मंत्र वहां जाकर हमने बांचे तो हैं, हम देशद्रोह के विषधर के फन पर चढ़कर नाचे तो हैं, आतंकवाद के अंधड़ को आगे बढ़ ललकारा तो है, धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है। शुक्रिया। धीमा ही सही तमाचा पर उसके मुंह पर मारा तो है, 70 साल हो गए, 65 साल हो गए इस मुल्क को सुनते हुए, हमारे बेटों की लाशें तिरंगे में लिपट के आती रही और सरकारें एक ही बात कहती रही, हम ठोस कदम उठाएंगे, सरकार ठोस कदम उठाएगी, और शरद जोशी जी लिखते हैं सरकार ठोस ही कदम उठाती थी लेकिन कदम इतने ठोस होते कि उठ ही नहीं पाते थे। पहली बार हिंदुस्तान के शेर ने घोषणा करी, यदि एक भी गोली उधर से चल जाए तो इधर से चलने वाली गोलियों की संख्या गिनी नहीं जाएगी उसके बाद में, तब जाकर के हमारे बड़े कवि कहते हैं कई बार आग को पानी से नहीं बुझाया जाता, आजकल फेसबुक पर बड़ा चल रहा है, वार्ता कर लेते, शांति से बात कर लेते, 70 साल हो गए कबूतर उड़ाते हुए, अचकन पर गुलाब लगाकर पहली बार गुरु गोविंद सिंह के बाज लाहौर की तरफ भेजे हैं तो देश की तस्वीर बदल चुकी है हमारे सामने। किससे वार्ता करनी थी हमको, 70 सालों से वार्ता ही तो हो रही थी सर, हमने किया क्या इस देश के अंदर में, हमारा जो माहौल था उसको हमने बदलने के लिए पहली बार किसी
पावर का इस्तेमाल किया है, पहली बार लोकतांत्रिक तरीके से ही सही, लेकिन देश को बताया असली कश्मीर है क्या। लोगों ने इस पर भी पेट में दर्द हुआ, कहने लगे इससे फर्क नहीं पड़ रहा है साहब, प्रमाण लाओ प्रमाण लाओ, पुलवामा अटैक हुआ तो प्रमाण लाओ। पूरे वर्ल्ड में यह दुर्भाग्यशाली मुल्क है जिसमें सेना से प्रमाण पत्र मांगे गए। मैंने कहा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी और फर्जीवाल जी, हमने आपके पिताजी के डीएनए के प्रमाण पत्र आज तक नहीं पूछे। लो हमने दुम सीधी कर दी, लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की, लो हमने दुम सीधी कर दी उन आतंकी आकाओं की जो उछल रहे थे आड़ लिए इन अलगावी नेताओं की, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, जिन लोगों ने संविधान रद्दी अखबार बना डाला, कश्मीर को पत्थरबाजी का बाजार बना डाला, उनकी अकल ठिकाने कर दी। मैं नाम नहीं लूंगा, तालियां रोक के बताना आप, उनकी अकल ठिकाने कर दी, उनकी ही चतुराई ने सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने, सबकी ऐसी तैसी कर दी अपने मोटा भाई ने। अब वो इमरान वहां से फोन कर रहा है बार बार, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे हैं। अब मोदी जी चद्दर तान के सो रहे हैं, कहले मेरा काम ये दूसरा लक्ष्मण जी कर ही रहे हैं। तो अगले दिन मैंने शशिकांत से पूछा, मैं कह रही है इमरान बात करना चाह रहा है, कोई झगड़े डंटे की हो जाए तो मोदी जी फोन क्यों नहीं उठा रहे, कहले फोन नंबर ही गलत ले रखा है, भाजपा की सदस्यता वाला मिस्ड कॉल मार रहा है जब से 500 कश्मीर में भाजपा के मेंबर बन गए वहां, अब पाकिस्तान में वोट डालेंगे तो 500 तो भाजपा के मेंबर बन चुके वहां पे, वो करे क्या बेचारा, खुद इसके कलेश हो रहा है घर में। कल इसने 500 का नोट दिया भाभी जी को, कहले खुले देना, 130 रुपए पकड़ाए इसको, कहले बाकी 370 कहले वो मोदी जी ने खत्म कर दिए, तभी मांगे इसने मेरे से आज सारे पैसे। इसका बच्चा है आज मेरे को स्कूल में, वहां पे मैं सत्य बता रहा हूं, मैं भारत मां के चित्र के सामने खड़ा हूं, इसका बेटा है आज मेरे को एक भोजन का वो लेके पैकेट, कहना ताऊ जी पापा ने भेजा है। तो मैं अच्छा चल तू ABCD लिख के बता, अब वो लिख रहा, दो अक्षर गायब कर दिए उसने। मैंने कहा बेटा ये जे और के, कहले ये तो अंकल खत्म हो गए ना आजकल, मोदी जी ने आजाद कर दिए, खाली अंग्रेजी की वर्णमाला बदल के धर दिया अगले ने। पूरी घाटी तो दहल रही थी आतंकी आकाओं से, क्यों करना पड़ा हमें निर्णय, जरा सोचना उस लौह पुरुष के बारे में। पूरी घाटी तो दहक रही थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी इनारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे। मेरी एक भी लाइन गलत लगे अपना हाथ खड़ा करना कि आप झूठ बोल रहे हो। मैंने 16 बार मोदी जी के सामने कविताएं पढ़ी हैं, इस मंच का मैं इकलौता कवि हूं जिसने लाल किले से श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी कविताएं पढ़ी हैं। तो जो संस्कारों में पिछले 40 वर्षों में त्वदीयाय कार्य बद्धाकट्यम के श्लोक बांचते समय जो मेरे रक्त में आ गया, उसे मैं आपके सामने कह रहा हूं कि पूरी घाटी तो दहल चुकी थी आतंकी अंगारों से, कश्मीर में आग लगी थी पाकिस्तानी इनारों से, चांद सितारे वाले झंडे घाटी में लहराते थे और हमारे शीश शर्म से रोज रोज झुक जाते थे। इसीलिए इन घटनाओं का निपटारा मजबूरी था और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था, और 370 धारा हटना बहुत जरूरी था। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। आदरणीय सोलंकी जी, बहुत विनम्रता के साथ मैं एक सूचना दे रहा हूं, नंद भैया को शायद मालूम हो, पिछले 2-3 वर्षों में एक उपलब्धि मेरे जिम्मे आई है। मैं केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय में इस समय हिंदी सलाहकार के छोटे से पद पर डेप्यूट हूं। क्या बात, तुम्हारे मंत्री के आरके सिंह जी, पीयूष गोयल जी उसमें हुआ करते थे, उन्होंने कहा विनीत यहां कविता सुनाना बड़ा आसान है, कभी वहां गए हो जहां कश्मीर में -30 डिग्री के अंदर लेह लद्दाख में हमारे बेटे बंदूक लेकर खड़े? मैंने कहा सर लद्दाख मैं कभी नहीं गया, करगिल नहीं गया मैं कभी। तो उनका जाओ, मैं वहां गया तो -30 डिग्री पर हमारे बेटे सैनिक कविताएं सुन रहे थे। मेरे भाई अरुण जैमिनी पीछे बैठे थे, तो मैंने कहा भाई जब मैं आऊं तो एक पानी की बोतल तैयार रखना, मैं पीना चाहता हूं। मैं शपथ पूर्वक कह रहा हूं भारत माता के चित्र के सामने, वो फोटो मेरे मोबाइल में रखे हैं। जब मैं वापस लौटा तो उन बोतलों में पानी नहीं था, उस समय उनके अंदर बर्फ जम चुकी थी। मेरे को तब पता लगा हिंदुस्तान की सेना किन हालातों में इन लोगों के लिए, नमक हराम लोगों के लिए रक्षा करती रही। मैंने इतना शब्द गुस्से में क्यों बोला है, मेरा कारण समझना सर। जब मैं श्रीनगर एयरपोर्ट से दिल्ली उतरा सर सोलंकी जी, एक वीडियो मेरे मोबाइल पर वायरल हो चुका था, उसमें वहां के कश्मीर के हमारे सैनिक वापस लौट रहे हैं कहीं कैंपों से, उनके कंधों पर राइफलें टंगी हुई है और वहां के बदतमीज लड़के उनके गालों पे चाटे मार रहे हैं।
ठोकर मार रहे हैं, उनके हेलमेट उनके पैरों में पड़े हुए हैं और वो कुछ बोल नहीं रहे। मैंने राजनीति के बड़े लोगों से पूछा, जी सर क्या हो रहा है? कहले ये तो इनके धैर्य की परीक्षा है। मैंने कहा माफ करें सब, ये कोई धैर्य की परीक्षा, मेरी हिम्मत को दाद देना, मैं कहां खड़ा हूं, किनके सामने बोला हूं और क्या बोलने जा रहा हूं। मैंने कहा माफ करना सर, ये कोई धैर्य की परीक्षा नहीं है, ये 70 साल में राजनीति ने जो कायरता के बीज कश्मीर में बो दिए हैं, हमारी सेना को गालों पर तमाचे के रूप में झेलने पड़ रहे हैं और कुछ भी नहीं थी ये। मैं उस दिन कुछ नहीं लिख पाया तो मैंने बड़े भाई हरिओम पवार जी को फोन किया, तो उन्होंने 2 लाइन मुझे लिख के भेजी जो बाद में वायरल हो गई। आपको लगे आप भी उस दिन ये बोलना चाहते थे जब सेना के गालों पर तमाचे लग रहे थे और आपके हाथ कसमसा रहे थे, तो यदि हरिओम पवार जी मेरठ में आराम फरमा रहे हों तो एक बार उनकी नींद में खलल पड़ जाए कि मैं उन्हें याद कर रहा हूं। हरिओम जी लिखते हैं, किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, ये सेना की दुर्गति हो रही थी तो ये फैसले लेने पड़े। किसका खून नहीं खोलेगा पढ़ सुनकर अखबारों में, शेरों की गर्दन कटवा दी कुत्तों के दरबारों में, शेरों की गर्दन कट गई थी। बहुत हो, इसलिए मैंने कहा, निवेदन किया है, बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। अब मुझे आपके हाथों में तालियां नहीं चिंगारियां चाहिए। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आज तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर लटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके। शुक्रिया, थैंक यू। मैंने सुनील भैया को यदि मंच पर सोलंकी भैया को बुला लिया है तो मैंने पूरी संसद को बुला लिया, देशभक्त लोगों के बड़े व्यक्ति को बुला लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, हमारे ऐसे युवा सांसद जो इतनी बड़ी पोस्ट छोड़कर वहां गए हैं, यदि आपको मिले तो ये देवास का सौभाग्य होना चाहिए। बहुत बहुत दुआएं आप लोगों की। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो। शुक्रिया। अरे सर, सेना के बड़े अधिकारी के सामने खड़ा हूं, ये मेरे लिए आज का सबसे बड़ा पुण्य क्षण है। मैं इनके तमाम उन सैनिकों को सैल्यूट कर रहा हूं जिनके कारण ये देश जिंदा है, जिनके कारण ये हिंदुस्तान जिंदा है। बहुत हो चुका मोदी जी, इनको समझाना बंद करो, आज तीन के सब सांपों को दूध पिलाना बंद करो, अब घर के गद्दारों को भी थोड़ा सा तो झटका दो, जो सेना पर पत्थर फेंके लाल चौक पर समझा दो। और सेना को इतना समझा दो दुश्मन को खंजर भौंके, मेरे अपने सैन्य अधिकारी को यदि 2 लाइन में सौंप रहा हूं तो मेरे सैल्यूट वहां तक पहुंचे। सेना को इतना समझा दो दुश्मन को खंजर भौंके और पड़ोसी की झोली में गद्दारों के सिर सौंपे, तभी जाकर ठंडा होगा झेलम का रक्तिम पानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी, और पड़ोसी याद रखेगा ये थप्पड़ हिंदुस्तानी। लेकिन पाकिस्तान वो कुत्ते की दुम है जिसे 12 साल तक नली में रखो तो उसके बाद भी प्रश्नवाचक चिन्ह बन के बाहर निकलती है। मैंने पहले बताया मैं पढ़े लिखे लोगों का कवि हूं, मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट मेरे को सुनने के लिए होना बहुत जरूरी है, बाकी आप एजुकेशन आपके क्या उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। कबीर पर रिसर्च हो रही है, वो अनपढ़ था लेकिन वो मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट था, आज उसमें पीजी में स्ट्रक्चर होती है, इसलिए मुझे मेंटली पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। तो मैं परसों सोलंकी जी वहां की विधान संसद का दृश्य देख रहा था, और वहां के कुर्ता फाड़ फाड़ के लोग पूरा कश्मीर ले लेंगे, पूरा कश्मीर ले लेंगे, और वो भाई ने बताया कि हम तुमसे रोजगार संबंध खत्म करते हैं, व्यापार संबंध, मजा लेना आप इस बात का, हम आपसे व्यापार संबंध खत्म कर रहे हैं। मेरे को ऐसा लगा जैसे अब्दुल पंचर वाला MRF टायर वाले से कह रहा हूं तेरे से कोई ताल्लुक नहीं है मेरा कल से, यार तेरे घर के बेर बिक नहीं रहे तू क्या संबंध खत्म करेगा हमसे। लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, उन्होंने कहा ना पूरा कश्मीर ले लेंगे। मैं जानना चाहता हूं हिंदुस्तान की तरफ से विनीत चौहान बोल रहा है, इस मुल्क की सेना के भरोसे बोल रहा है, लगता है नादान पड़ोसी दोहराएगा पापों को, एक सबक सिखलाया था पहले भी उसके बापों को, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे। मैं इस हॉल को गूंजता देखना चाहता हूं इस बार, इंच इंच कश्मीर भला भारत से लड़कर ले लोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे।
इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, इस कश्मीर के चक्कर में लाहौर कराची दे दोगे, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, मैं सच बोल रहा हूं तो ही तालियां उठें, तुम पहले जाकर पूछो तो अपने दादा नानाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से, वो भीख जान की मांग गए हिंदुस्तानी सेनाओं से। तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड केवल हिंदुस्तान की सेना के नाम दर्ज है गिनीज बुक के अंदर, गलत हो तो मुझे बताइएगा। 93,000 सैनिक थे पड़ोसी मुल्क के पास, वो कहता है हमने आपका एक अभिनंदन भेज दिया है, एहसान किया है, एहसान नहीं किया है, अपने प्राणों की रक्षा कर लिए, वरना अगले दिन पता लग जाता कि बेटा रखा कैसे जाता है, वो जमाने चले गए जब तुमने हमारे बेटे रख लिए, हमने 93,000 सैनिक छोड़े हैं तुम्हारे, ऐसी कायर फौज जो विद वेपन थी और एक जनरल अरोड़ा के पैरों की जूतियां चाट रही थी, ऐसी फौज केवल पाकिस्तान के पास में है, और वो कहता है मुझे इंच इंच कश्मीर चाहिए। तब 1,00,000 सेना ने खुद चरणों में आयुध डाल दिए, ये अलग बात, तब से हमने सीमा पर विस्तर पाल लिए, कश्मीर देश का मस्तक है। अब ये मेरी और आपकी परीक्षा है, वो बिलावल भुट्टो जिन जिनकी नॉलेज ठीक हो, वहां की एक सांसद महोदया है, उनसे उनका कुछ बहुत अच्छा संबंध है, बस मैंने इसको व्याख्यायित किया इसके अंदर, मैंने उससे कहा है जिसने इस बात को बोला, कश्मीर देश का मस्तक है, समझ जाए तो ताली उधार मत रखिएगा, कश्मीर देश का मस्तक है, तिरछी इसकी पेशानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, ये रणचंडी माँ दुर्गा है, मत समझ हिना रब्बानी है, ये सोच खून का रिश्ता है, ये सोच खून का रिश्ता है, हर गलती को सह लेते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, तुम चचा जान के पोते हो सो माफ तुम्हें कर देते हैं, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा। मैं सर बहुत भरोसे के साथ बोल रहा हूं, जब मैं लद्दाख में इस लाइन को पढ़ रहा था तो हमारे सैनिक ऐसे बंदूक पकड़े बैठे हुए थे सामने, उन पर बर्फ जमी हुई थी, मैंने जैसी दो लाइन पढ़ी है उन्होंने बंदूक इतनी ताकत से भींची कि बर्फ पिघल करके पानी में तब्दील हो चुकी थी। और मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाह रहा हूं, कश्मीर समस्या आपने तरीके से समझा सुलटा ली है, पाकिस्तान से आपके रिश्ते इस तरह कॉफी की प्यालियों के साथ सॉल्व हो जाएंगे, इसे दिमाग से निकाल दीजिएगा, चाहे किसी पार्टी का नेता प्रधानमंत्री हो जाए, मेरी बात पर आपकी मोहर लगे, पाकिस्तान से रिश्ते जिस दिन भी सुधरेंगे सेना के जूते की नोक के बलबूते पर सुधरेंगे, उसके अलावा कोई चारा नहीं है आपके पास में, वरना जिस दिन हम चाहेंगे, आप ठीक ठीक ताली बजा देंगे तो मैं एक कविता और पढ़ दूंगा, वरना मेरी फ्लाइट का समय हो रहा है, वरना जिस दिन हम चाहेंगे ये गर्व गुमान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा, सेना ने जिस दिन ठान लिया ये पाकिस्तान नहीं होगा। मैं जब भी ऐसी बातें करता हूं, ये शशि मेरा बड़ा प्यारा बहुत पुराना दोस्त है, कभी मेरे को मिला था देव गणेश खजराना मंदिर के कार्यक्रम के अंदर, तब से ऐसा फेविकोल बन के चिपका है ये मेरे दिल में कि आज तक हटाए नहीं हट रहा है, उसके बाद ही वो गाना बना है कि तुझे तेरा फोटो चिपकाई लूं मैं वहां से, ये वही फोटो फेविकोल लगा के मेरे दिल में चिपक चुका है। लेकिन मैं बता रहा हूं, मैं सही बता रहा हूं, ऐसा छोटा भाई या तो विभीषण हुआ होगा या प्रमोद महाजन के बाद में प्रवीण महाजन हुआ होगा, जैसा ये है मेरा कारण समझना उसका। मेरे को एक ही बात, भाई साहब क्या कविता सुनाते हो, खून खोलने लगता है, देशभक्ति जागृत हो जाती है, इन कविताओं को दूर दूर सुनाओ। अरे मैंने कहा कल मैं गोवा था, दो फ्लाइटें बदल के यहाँ आया हूँ मुंबई होता हुआ, परसों मैं गुवाहाटी था, और कहाँ जाऊँ, अगली बात जिनके समझ में आए वही ताली बजाएं, बाकी चुप रहना। मैं कहा और कितनी दूर जाऊँ, कह रहे भाई साहब आप इन कविताओं को पाकिस्तान क्यों नहीं सुना के आते। मैंने कहा दुष्ट आत्मा तू मुझे निपटाना चाहता है कि पाकिस्तान निपटाना चाहता है। कह रहे भाई साहब मैं निपटाना तो आपको ही चाह रहा था, लेकिन मैंने सोची फिर सोलंकी जी माड़ा किसके डालेंगे यहाँ पे, तो मगर तू माड़ा डलवा रहा है कि चढ़वा रहा है मेरे ऊपर। ये बड़ा प्यारा दोस्त है मेरा, तो मैंने नंदू भैया को फोन किया, हमारे पुराने प्रशंसक हैं आदरणीय बैठे, मगर नंदू भैया ये आपका कवि मेघ को मरवाएगा। अरे कहला चिंता मत करो, राजनीति में काम करता हूं, ऐसी थोड़ी अध्यक्षता संभाल रखी है, बहुत कार्यकर्ता निपटा दिए मैंने इसी जुगाड़ में, ऐसे कर करके मैं बताता हूं तरीका। अब नंदू भैया ने तरीका बताया, मैंने इसको समझाया, मैंने कहा देख भैया पाकिस्तान जाने के अंदर पासपोर्ट लगता है, वीजा लगता है, किराया बहुत लगता है, अच्छा कंजूस आदमी है जेब में 54 लेके चलता ही नहीं, आपने देख ही लिया 500 रुपए भी मेरे उधार हैं आज इसके ऊपर, तो मैंने कहा पैसे का नाम सुनते ही यादव आदमी है,
तुरंत कह देगा मत जाओ, लेकिन अगला भी भैया कट्टर आईएसआई मार का यादव देवास का, जो जवाब दिया भाई साहब मेरे उस दिन से मैं से दूर बैठने लग गया। कहना भाई साहब किराए की चिंता बिल्कुल मत करना, आपका छोटा भाई मौजूद है, एक तरफ का जाने का किराया मैं दूंगा। समझ में आ गई कि दोबारा बताऊं? अरे मन का दुष्ट आने का किराया। कहला भाई साहब वो नहीं लगे लक्षणों से जैसे कविता तुम सुना रहे हो, तुम्हारी मूर्ति लगेगी लाहौर के अंदर चंदा इकट्ठा करके, ऐसी कविता सुनाते हो आप। मैंने कहा ऐसा मौसम है तो सुनानी पड़ गई। स्वागत भैया, कश्मीर के लोगों ने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है तीन कुनबों ने, उसे पीढ़ियां याद रखेंगी काले पन्नों के रूप में। माफ कीजिएगा मैं जिम्मेदार दो लोगों के सामने बयान जारी कर रहा हूं। बीमार प्रांत है कश्मीर, 70 सालों से एक फूटी कौड़ी नहीं लेते हम उससे। तीन प्रांतों के बराबर अकेले कश्मीर पर खर्च करते हैं हम, एक फूटी कौड़ी नहीं लेते। उसके बावजूद यदि वहां इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगते हैं तो मुझे कहने का हक दीजिएगा, मैं बहुत क्रोध में बोल रहा हूं। कश्मीर वो बेवफा औरत हो चला था जो खाता हमसे था, पीता हमसे था, पहनता हमसे था और नैन मटक के पड़ोसी से करना चाहता था। मुझे नहीं पता कश्मीर किसका है किसका नहीं था, हम तो आजाद भारत में पैदा हुए हैं, पर सुनता हूं किसी राजनीतिक पार्टी के बड़े नेता से भूल हो गई थी, उसका मरा हुआ सांप आज तक हमारे गले में लटका हुआ है। हम निर्णय नहीं कर पाए कश्मीर किसका है। सर कभी आपको बोलना पड़े संसद में तो इस लाइन को बोलिएगा, कश्मीर किसका है। मैं पट्टा पेश करता हूं कि कश्मीर किसका है। आपसे आपके मकान का प्रमाण पत्र मांगा जाता है, मैं कश्मीर का पट्टा पेश कर रहा हूं। बहुत धीमे पड़ रहा हूं, अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, 52,000 बेटे खोने के बाद कश्मीर का पट्टा पेश हो जाए तो आपकी तालियां गूंज जाए इस हॉल के अंदर। अपनी इस केसर घाटी को इतना लहू दे चुके हैं हम, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। वाह वाह, अब तो जो भी फूल खिलेंगे वो सब फूल हमारे होंगे। वो कहते हैं हमें ऑटोनॉमी चाहिए, हमारी स्वायत्तता भंग, हमारी आइडेंटिटी खत्म हो रही है। मध्य प्रदेश की आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, राजस्थान की आइडेंटिटी खत्म नहीं हुई, तुम निकम्मों की आइडेंटिटी खत्म हो रही है। तुम हिंदुस्तान की आइडेंटिटी खत्म कर रहे थे तो हमें 370 हटाना पड़ी तुम्हारे बीच में से। अब्दुल्ला जी मुफ्ती साहब दो लाइन सुन लीजिएगा, ऑटोनॉमी की मांग नहीं ये देशद्रोह का नारा है। ये मेरी कविता वायरल इन दिनों आपके वीडियो के ऊपर मोबाइल पे आ चुकी है, कुछ दोस्तों की फरमाइश थी मैं उसे कह रहा हूं। ऑटोनॉमी की मांग नहीं ये देशद्रोह का नारा है। अटल तुम बहुत अच्छे गीतकार हो, ये लाइन तुम्हें सौंप रहा हूं। वाह। कि ऑटोनॉमी की मांग नहीं ये देशद्रोह का नारा है, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है। मैंने कविता कह दी है सर, ठंडी झीलों से निकला जो जलता सा अंगारा है, उन बेटों से गद्दारी है जो पर्वत पर सोए हैं, ना इंसाफी है उस माँ से जिसने बेटे खोए हैं। तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता। अगर तुम्हारा बेटा सीमा पर कुर्बान हुआ होता, तुमको भी फारूक जी इसका सचमुच ध्यान रहा होता। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते, बेहूदे बयान दिए इन लोगों ने, इसी थाली में खाया इसी में छेद किया है, अब घरों में कैद होके बैठे हुए हैं। खुला क्यों नहीं, खुला छोड़ देते तो दंगा कर देते, मोदी जी ने ये नहीं करने दिया, बंद कर दिया तो बंद क्यों कर दिया। चित्त भी मेरी पट्टी भी मेरी, खड़े मेरे बाप की, अब तुम्हारे बाप के बाप की। अब बैठा है वो दिल्ली में, दिन में हवन करता है, रात्रि को अग्निशिखे में शमशान जला देता है तुम जैसे लोगों के, पता भी नहीं लगने देता कल होगा क्या। खुद भाजपा वाले सोचते हैं ये तो हमने सोचा ही नहीं था कल ये कलेश हो जाएगा, खुद हम तक को नहीं पता रहता कि कल क्या होने वाला है। पता नहीं अगले दिन आप सुनो अखंड भारत की स्थापना हो चुकी है, भाई और बहनों कभी भी सूचना प्राप्त हो सकती है इस देश को। वो निकम्मे लोग पर ना अलगाववाद का नारा लगाए जा रहे थे, वो तो उन लोगों की ऐसी तैसी करना जरूरी थी। तो अगले ने तरीके से कहा, वो कहता था हमेशा कि मैं पाकिस्तान में पैदा होता तो पीएम होता, ये तो यहां पैदा हुआ हूं। फारूक अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं इस बयान को तो विवादास्पद सूबे का सीएम बनाया। मैंने कहा बिल्कुल आप वहां पीएम हो सकते थे, मैं राजस्थान की हल्दी घाटी से आता हूं सर, अलवर से आता हूं, हमने इतिहासों को आईने दिखाए हैं,
फारूक साहब आपको मैं आईना दिखा रहा हूं, तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते जाते पाकिस्तान, वहां पर तुम उनके पीएम होते। अगली लाइन समझ जाए तो मैं फिर कह रहा हूं, तालियां उधार मत रखना मेरी। तुम कहते हो कश्मीर के तुम ना जो सीएम होते जाते पाकिस्तान, वहां पर तुम उनके पीएम होते। फारूक जी अगर पाकिस्तान का कुछ इतिहास पढ़े होते, फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। फांसी के तख्ते पर तुम भी भुट्टो संग चढ़े होते। ये तो हम हैं जो गद्दारों को कुर्सी दे देते हैं, आस्तीन के सब सांपों को छाती पर सह लेते हैं। कोई रण में जीती भूमि भी वापिस कर देता है, कोई सेना के लहू से शाही को धो देता है, कोई मजहब के नारों से अलग देश बंटवाता है, कोई श्रीलंका में जाकर सेना को मरवाता है। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। मैं सच बोलने की हिम्मत करूं, आप सच पर तालियां उठाइएगा। लेकिन ये तो हम लोगों की सब किस्मत में होना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। नेहरू जी की कुछ भूलों पर जीवन भर को रोना था। अगर कबूतर श्वेत नहीं हम गुरु के बाद छोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते, तो लाहौर कराची को हम दिल्ली तलक जोड़ देते। अब भी अटल इरादे लेकर भारत के लोगों जागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो, दुश्मन पर गोले दागो, शांति मंत्र की पूजा छोड़ो। वाह वाह वाह। एक कविता जो केवल उसकी चार पंक्तियां, वो तुमने 10-10 लाख दिए हैं, वो कर दो और फिर समापन जी। शुक्रिया, कुछ बातें कही हैं। ये असल में मेरे को, मैंने कहा ना मेरा जघन्य दोस्त है, ऐसे दोस्त कहते हैं। अब मेरे को मरवाने के चक्कर में है ये, अब आज नहीं तो कल। देखो मेरे को क्या था, पहले मोदी जी जब गुजरात में थे तो मुझे सामने बैठ के सुना करते थे, तो प्रधानमंत्री बन गए वो। अब यहाँ बैठे हुए हैं भाई साहब, तो कुछ ना कुछ तो ये भी बन ही सकते हैं। अब अगली मार ये इनसे पढ़वाने वाला है मेरे को, हमारे कुनबे में लड़ाई करवा के छोड़ेगा ये केंद्रीय मंत्री। लेकिन मैं सही बात बता रहा हूँ आपको सर, मैं बिहार में था तो एक मंत्री महोदय वहाँ बैठे हुए थे, कहने विनीत तुम बड़े मंत्रियों के खिलाफ कविताएं पढ़ते हो, क्या करती हमारी सरकार, हमने तो 10-10 लाख रुपए की गड्डियां बांटी हैं। सर मैं सच्चा वाक्य बता रहा हूँ, मैं बिहार में था, पटना में कवि सम्मेलन होता है, शशि जानते हैं, मैं कुमार विश्वास हम 3-4 लोग थे, हम गए वहां। तो उस दिन एयरपोर्ट पर बड़ी भीड़ लगी हुई थी, मैंने कुमार से कहा कुमार इतनी भीड़ मैंने पटना कभी नहीं देखी। तो कहने लगे कि पता करा कि इतनी भीड़ क्यों है। किसी ने कहा 3 बेटे तिरंगे में लिपट करके आए हैं, अभी मंत्री जी आने वाले हैं, कृषि मंत्री जी आने वाले हैं, वो इन्हें श्रद्धांजलि देंगे, उसके बाद भीड़ छट जाएगी। मैंने कुमार से कहा कुमार कविताएं रोज ही पढ़ते हैं, बेटे आज पहली बार आए हैं, इस पूर्ण यज्ञ को अपन कर चलते हैं, इन्हें सलामी दे चलते हैं। मैं बहुत माफी के साथ शर्म के साथ सूचना दे रहा हूं सर, हम 1 घंटा खड़े रहे, मंत्री आए नहीं, बिहार के कृषि मंत्री। अगले दिन अखबार में छपा उपाध्याय जी, क्यों देता मैं उन्हें श्रद्धांजलि, उन्हें तो मरने की तनख्वाह मिलती थी। यह हिंदुस्तान के एक बिहार राज्य का कृषि मंत्री बयान दे रहा था, मैं 3 कैमरों के रिकॉर्डिंग में ये बात जब बयान दर्ज कर रहा हूं अपना। मेरा छोटा भाई एक अशोक चारण एक बयान देता है कई बार कि तनख्वाह मिलती थी, तो मैंने कहा सियासत का नशा सिमतों का जादू तोड़ देती है, हवा उड़ते हुए पंछी के बाजू तोड़ देती है, और सियासी भेड़िए थोड़ी बहुत गैरत जरूरी थी, तवायफ किसी मौके पर घुंघरू तोड़ देती है, तवायफ तक किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तो वो मंत्री महोदय मेरे से कहने लगे विनीत जी बड़ा गुस्से में कविता पढ़ते हो, क्या करते हम, हमने तो 10-10 लाख रुपए बांटे हैं उन विधवाओं को जिनके पति सीमाओं पर बलिदान हो गए। मैंने कहा मंत्री महोदय 10 लाख रुपए गड्डी से विधवाओं के सिंदूर की कीमत तोलना चाहते हैं, कोई व्यक्ति नेता प्रवक्ता आपको यह कहता मिले कि 10 लाख रुपए की गड्डी से हमने विधवाओं के सिंदूर की कीमत लौटा दी है। सर भूल जाना विनीत चौहान को आज की रात क्या चीखा क्या चिल्लाया। मैं अंतिम 2 लाइन पढ़ के आपको विदा हो रहा हूं आपसे, मैं अभी 14 दिन से सोया नहीं हूं सोलंकी जी, और अभी मेरी रात की फिर फ्लाइट है दिल्ली के लिए, मैं 1 दिन और नहीं सोना चाहता। इंदौर से जब मैं दिल्ली उड़ूं विमान में, आपकी तालियां मेरा पीछा करें कि कम से कम एक बगावत का कवि हमने हिंदुस्तान में सुना तो था जो सच बोल रहा था, परिस्थिति कैसे भी हो। तो मैंने उस मंत्री को बयान दिया कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, एक एक हाथ हवा में लहरा जाए उन तमाम सैनिकों के बलिदान के लिए जिनके कारण आज हम ये तिरंगे का उत्सव मना रहे हैं, कि तुमने 10-10 लाख दिए हैं सैनिक की विधवाओं को, सोचा कीमत लौटा दी है वीर प्रसूता माओं को, लो मैं 20 लाख देता हूं तुम किस्मत के हेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें लड़ने अपने बेटों को, हिम्मत है तो मंत्री भेजें। बोलिए भारत माता की।